हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मालूम है, जीएस प्लस की सीरीज में जो आपकी शाम 6 बजे लेक्चर होता है, ये जीएस प्लस हमने नाम दिया है। इसमें पॉलिटी इस समय चल रही है और हिस्ट्री चल रही है, तो पॉलिटी और हिस्ट्री जो भी इसमें विषय आपको पढ़ाए जाते हैं वह एक अच्छे स्टैंडर्ड को हम लोग कवर कर रहे हैं। यानी अगर आप यूपीपीएससी में बैठना चाह रहे हैं, आप बेहिचक कहीं भी किसी भी कोचिंग में कोई भी कोर्स वगैरह जो चल रहा है वहाँ एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। हम जितना पढ़ा रहे हैं आप इसको पढ़ लीजिए, ढंग से पढ़ लीजिए, आँख कान खुले रखकर पढ़ लीजिए, आपके लिए बहुत है। ठीक है, इससे बाहर चीजें नहीं होने जा रही हैं, बहुत डीपली सारे लेक्चर चल रहे हैं, अच्छे से पढ़िए। कोई ऐसी चीज भी नहीं है जो आपको समझ में ना आए। नोट्स अगर चाहिए, हर दिन जितना पढ़ाएं उसकी क्लास चाहिए, उसके लिए भी सुविधाएं हैं। इन्हीं सभी के बेसिस पर हमने 10+ कोर्सेज जो है निःशुल्क एक कोर्स लॉन्च किया कि आप कैसे कैसे अपने आप को जो है सिर्फ वीडियोज के माध्यम से लाभान्वित कर सकते हैं और कैसे अपने आप में इंप्रूवमेंट लाई जाए। ठीक है, जो होता नहीं, सर जी 4 साल से पढ़ ले, आज तक नौकरी नहीं मिली, सफलता नहीं मिली। वो सफलता क्यों नहीं मिली, उसके पीछे रीजन आप भी जानते हो, क्या चीजें रही, कहां भटकाव रहा, हर एक चीजें आपको मालूम है, आपको पता है आधार पर हमने काम नहीं किया है और फिर भी कहते हो सफलता नहीं मिली। ठीक है, सबसे पहले अपने बेस पर काम करिए। ये समय जब मौका मिला है बेस पर काम करने, तब दिन भर, अरे दिन भर पढ़ा नहीं जाता है हमसे, कर क्या सकते हो भैया। अगर एक जगह कंसंट्रेशन नहीं है तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत है जीवन में। इसीलिए 10+ कोर्सेज जो हम चला रहे फ्री, पूरा इसको अच्छे से देखिए और धीरे धीरे जो है अपने आप में इंप्रूवमेंट लाइए। वीडियो सारे फ्री हैं, पीडीएफ चाहिए तो मिल जाएगी, कोई चाहिए तो मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन पढ़िए आप लोग, कहने का उद्देश्य ये है। इस समय हम जो है पॉलिटी में आपके डिस्कस कर रहे हैं आपसे पार्ट 3 यानी जो आपके भारतीय संविधान का भाग 3 है, जिसको आप फंडामेंटल राइट के तौर पर जानते हैं, यानी मूल अधिकार या मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं। इसमें मैं आपको सबसे पहला लेक्चर, यह तीसरा आज इसी पर है। पहले लेक्चर में सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन बताया था, यानी इसकी सारी चीजों से परिचय आपको करवाया था बहुत अच्छे से, उसको देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसका लेवल थोड़ा सा अच्छा है, हम लोग ज्यादा अच्छे से सारी चीजें कवर कर रहे हैं, तो बेस इन सारे लेक्चर को देखने के बाद आपको कभी पॉलिटी के बेस क्लियर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे लेक्चर में मैंने आपको अनुच्छेद 12 से शुरुआत किया और 12 से लेकर अनुच्छेद 21 तक मैंने सारी चीजें बताई थी। आज हम अनुच्छेद 22 से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज आर्टिकल 22 से हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे और 22 से लेकर अनुच्छेद आपका जो 35 तक है यहां तक पूरा कवर करने वाले हैं। बहुत अच्छे से पूरी चीजों को पढ़ेंगे, समझ गए, यानी 22 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक हर एक चीजों को आज हमें बहुत अच्छे से कवर करना है। तो चलिए एक एक चीजों की शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद 22 जो है यह हिरासत एवं गिरफ्तारी के विरुद्ध आपको सुरक्षा प्रदान करता है। यानी हिरासत जब आपको पुलिस अरेस्ट करती है और आपको गिरफ्तार करती है, ठीक है, हिरासत में ले लिया गया या गिरफ्तार कर लिया गया, तो इन दोनों जगहों पर आपको कुछ सुरक्षा मिलती है, इनके खिलाफ आपको सुरक्षा आपका संविधान देता है, वो क्या है इसको समझिए। इसमें बहुत कड़िया है। सबसे पहली चीज है अनुच्छेद 22 जो कहता है कि कुछ ऐसी दशाएं होंगी उसमें गिरफ्तारी और निरोध में आपको संरक्षण दिया जाएगा। मतलब अगर जो है गिरफ्तारियां हो रही हैं लेकिन गिरफ्तारियों में कुछ चीजें कमी है, वो कमी क्या है, अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। ठीक है, अगर आप जा रहे हैं, मान लीजिए पुलिस आई रात को अपने आपके घर पे, आपको उठा के लेकर गई कि आप पर जो है हमें कुछ जो है संशय है, पूछताछ है, इसके लिए आपको थाने चलना पड़ेगा, तो आपको 3 प्रकार की जो है स्वतंत्रता वहां पर प्रदान होगी। क्या क्या, हिरासत में अगर कोई पुलिस वाला आपको लेता है तो उसका कारण बताना पड़ेगा उसे। दूसरी बात, 24 घंटे के अंदर उसे जिसमें आने और जाने का समय छोड़ दिया जाए, आपको 24 घंटे के अंदर किसी भी दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। ठीक है, तीसरी बात, उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा, आपको जो वकील पसंद है उससे आप सलाह ले सकते हैं, इस यह छूट आपको मिलेगी ही मिलेगी। आगे हम बढ़ते हैं, अगर आपको हिरासत में ले लिया गया भैया तो एक चीज आती है निवारक निरोध। आखिर यह क्या होता है, अनुच्छेद 22 के तहत ही इसमें भी व्यवस्थाएं की गई है। नजरबंदी आप जानते होंगे, अनुच्छेद जो 22 अपना कहता है भारतीय संविधान का, इसका जो खंड है 3, 4 और 5 तथा 6, इसमें 3, 4, 5 और 6 में
तत्संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है, निवारक निरोध के संबंधी जो है जो प्रावधान किए गए हैं उनके बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। अब निवारक जो निरोध है इसमें इस कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है। मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति डकैती की योजना बना रहे हैं और वह चोरी के इरादे से जा रहे हैं, उससे पूर्व ही उन्हें पुलिस दबोच ले, तो ऐसी चीजें किसके अंतर्गत, ये निवारक निरोध कानून के अंतर्गत आती है। ठीक है, निवारक निरोध का उद्देश्य होता है व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना ही नहीं बल्कि उसे अपराध करने से रोकना भी। यह नहीं है कि आपने अपराध किया तो अब आपको हम सजा देंगे ही देंगे। अगर आप अपराधी लग रहे हैं तब भी पुलिस आपको कुछ दिनों के लिए हिरासत में ले सकती है। ठीक है, तो यहां पर दोनों चीजें आती हैं कि आपको अपराध से रोका भी जाए, ठीक है, और अगर आपने अपराध किया है तो उसके लिए दंड भी दिया जाए, दोनों इसमें शामिल है। यह निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा लोक व्यवस्था बनाए रखने या भारत संबंधी कारणों से हो सकता है, यानी भारत की सुरक्षा या राज्य की सुरक्षा बनाए रखने के लिए लोक व्यवस्था में कोई विघ्न ना पड़े, इन सारी परिस्थितियों से डील करने के लिए इस निवारक निरोध कानून में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति को निवारक निरोध की किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तब जब क्या हो, जब सरकार को ऐसा लग रहा है कि यह इस व्यक्ति से राज्य की या लोक व्यवस्था में कोई ना कोई खतरा है। आखिर में सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक जेल में रख सकती है, आपको 3 महीने के लिए भी जेल में सरकार डाल सकती है। अगर गिरफ्तार व्यक्ति को 3 महीने से अधिक समय के लिए जेल में रखना हो तो इसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ता है। एक सलाहकार बोर्ड का गठन होगा जिसमें आपके सारे मामले रखे जाएंगे और वह जैसे ही सलाह देगा उसके आधार पर ही आपको 3 माह से ज्यादा के लिए क्या किया जाएगा, निरोध में रखा जाएगा, कैद में रखा जाएगा। दूसरा चीज, इस प्रकार जो निरुद्ध व्यक्ति होगा को यथाशीघ्र निरोध के आधार पर सूचित किया जाएगा, लेकिन जिन तथ्यों को निरस्त करना लोकहित के विरुद्ध समझा जाएगा उन्हें प्रकट करना आवश्यक नहीं है। समझ गए। दूसरी बात, निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के शीघ्रातिशीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए, यानी जिस व्यक्ति को आपने अरेस्ट किया है या अरेस्ट हुआ है जो व्यक्ति, उसको भी अभ्यावेदन करने का मौका मिलना चाहिए, वो भी कहीं पर अपनी अर्जी लगा सके। हमें क्यों जो है मतलब पकड़ के लाया गया, क्या चीजें रही, ये सब जानना उसको जरूरी है। अब इसमें से बहुत सारी विधियां जो अभी तक कानून संसद के द्वारा समय समय पर बनाए गए हैं निवारक निरोध के संबंध में, उन सभी पर हम लोग बहुत अच्छे से परिचर्चा करते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इससे सवाल पूछता है, सीधा सीधा पूछ लेता है कि निवारक निरोध अधिनियम 1950 कब लागू हुआ, संसद ने कब बनाया, किसके लिए था, इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से जानना है। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं इसमें, 1950 में आपका सबसे पहले निवारक निरोध अधिनियम बना था, इसके बारे में आप खूबियां जानिए, क्या व्यवस्थाएं इसमें की गई थी। देखिए भैया, भारत की संसद ने बात थी 26 फरवरी 1950 की, 26 फरवरी 1950 को पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया। इसका उद्देश्य था राष्ट्र विरोधी तत्वों को भारत की प्रतिरक्षा के प्रतिकूल कार्य से रोकना था। इसे 1 अप्रैल 1951 बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 1951 को समाप्त हो जाना चाहिए था, किंतु समय समय पर इसका जीवन काल बढ़ाया जाता रहा। अंततः 31 दिसंबर 1971 की बात है, 31 दिसंबर 1971 की बात है, उस दिन यह निवारक निरोध अधिनियम 1950 जाके आपका समाप्त हुआ। उसके बाद 1971 में एक दूसरा आपका जो है एक नई विधि आई जिसको नाम दिया गया आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971। ठीक है, यह 44वें संविधान संशोधन जो 1979 हुआ इसके प्रतिकूल था और इस कारण अप्रैल 1979 में यह समाप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं, विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम 1974 में आया, जब यह कानून जबकि यह अस्तित्व में था वो 1979 में समाप्त हुआ, लेकिन 74 में एक और कानून आया था, इसमें जो विशेष प्रावधान किया गया वो तस्करों के लिए था, यानी तस्करों के लिए नजरबंदी की अवधि 1 वर्ष थी पहले, लेकिन बाद में 13 जुलाई 1984 को यह जो अधिनियम आया
इसी में 13 जुलाई 1984 को एक अध्यादेश लाया गया और इसके द्वारा इसको बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया, यानी किसी भी तस्कर को अब 2 वर्ष के लिए कैद रखा जा सकेगा। अगली बात करते हैं, एक आपका आया था राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिसको आप जानते हैं रासुका के नाम से बड़ा चर्चित रहा है इस समय भी, ठीक है। ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है 1980 में आपका आया हुआ है, जम्मू काश्मीर के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में इसको लागू किया गया था। अब जम्मू काश्मीर में भी लागू होगा, क्योंकि जम्मू काश्मीर को जो विशेष आपकी जो है सुविधाएं मिली थी, ठीक है, विशेष राज्य का दर्जा था, वह चीजें हटा दी गई हैं, तो जाहिर सी बात है केंद्र सरकार के सारे कानून वहां पर भी लागू होंगे। अगली चीज, आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोधक जो कानून रहा, जिसको आप टाडा के नाम से जानते हैं, यह पूछता है रासुका तो पूछता ही, ये चर्चित विषय रहा है अपने प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश में भी, और जो है जम्मू कश्मीर में भी कई अलग अलग विधियां हैं जहां पर, वहां पर भी दूसरे फॉर्म में यह चर्चित रहा। अगली चीजें देखिए, जो टाडा आपका एक्ट आया था, ये निवारक निरोध व्यवस्था के अंतर्गत अब तक जो कानून बने उन सब में या सबसे अधिक प्रभावी रहा कौन, टाडा कानून, ठीक है, और सर्वाधिक कठोर कानून था। 23 मई 1995 को इसे समाप्त कर दिया गया। कब? 23 मई 1995 को टाडा को समाप्त किया गया। अगले कानून को पढ़िए, इसका नाम है आपका पोटा, यह जो है 25 अक्टूबर 2001 को लागू किया गया, ठीक। पोटा टाडा का ही एक रूप था, इसके अंतर्गत कुल 23 आतंकवादी गुटों को प्रतिबंधित किया गया। आतंकवादी और आतंकवादियों से संबंधित सूचना को छिपाने वालों को भी इसमें दंडित करने का प्रावधान किया गया। पुलिस शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, किंतु बिना आरोप पत्र के 3 महीने से अधिक हिरासत में नहीं रख सकती। पोटा के तहत गिरफ्तार व्यक्ति हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील तो कर सकता, लेकिन यह अपील भी गिरफ्तारी के 3 महीने बाद ही होगी। यानी अगर पुलिस पोटा के तहत किसी व्यक्ति को उठाकर ले गई तो 3 महीने मिनिमम उसको जेल में रहना ही रहना होगा, समझ गए। लेकिन बात थी 2004 21 सितंबर की, उसको यह जो कानून रहा पोटा, इसको एक अध्यादेश लाकर समाप्त कर दिया गया। अब जितने भी ये इस जो है तरीके के थे, अभी उत्तर प्रदेश में जो है प्रदेश ने अपना यूपी कोका एक कानून बनाया है, उसको ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र सरकार ने भी, ठीक है, वहां का महाराष्ट्र कोका बनाया है, ऐसे यूपी कोका अपने यहां जरूर जानिएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 22 हमने पढ़ लिया, निवारक निरोध के बारे में जान लिए, कौन कौन से एक्ट आए, कब कब समाप्त हुए, इनके बारे में जान लिए। अब हमें जानना है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, अनुच्छेद 22 से आगे मूव करते हैं अनुच्छेद 23 की ओर। शोषण के विरुद्ध यानी अगर किसी व्यक्ति का शोषण हो रहा है तो उसके खिलाफ कैसे कैसे अधिकार दिए जाते हैं। शोषण ऐसा नहीं है कि आपको जबरदस्ती पकड़ लिया गया और ईंट भट्टे में भर दिया गया कि चलो यहां काम करो, यही एक शोषण नहीं है। बहुत तरीके के शोषण होते हैं जो हमें उनके खिलाफ अधिकार मिले हैं, उनके द्वारा उन शोषण से क्या हो सकती है, मुक्ति हो सकती है। कैसे? सबसे पहला जो इसमें परिभाषित है, मानव तस्करी एवं बलात्श्रम का निषेध किया गया है। यानी मानव की जो तस्करी होती है और जबरदस्ती किसी से कार्य लिया जाता है, इन दोनों को प्रतिबंधित करता है अनुच्छेद 23। कैसे? अनुच्छेद 23 मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाता है। बेगार का मतलब होता है जबरन श्रम, आपसे जबरदस्ती कोई कार्य कराया जाए, बेगार और इसी प्रकार के अन्य समान जबरन श्रम के प्रकारों पर भी यह प्रतिबंध लगाता है। इस व्यवस्था के तहत कोई भी अपराध कानून के मुताबिक क्या होगा, एक पुनिशेबल ऑफेंस होगा, एक दंडनीय अपराध होगा, ठीक है। ऐसा कोई भी कार्य करते हैं आप, किसी भी व्यक्ति को अगर जबरदस्ती बेगार कराते, मान लीजिए आप किसी को लेकर आए, आपने मजदूरी करवाई दिन भर और शाम को जब उसने पैसा मांगा तो अकड़ गए चौधरी साहब, ओए पैसे नहीं मिलेंगे, तो वो क्या है, वो बेगार के अंतर्गत क्या माना जाएगा, एक दंडनीय अपराध होगा। आप जबरदस्ती किसी से कार्य करा लिया और उसको उसके श्रम के बदले पैसे नहीं दे रहे। भारत में आजकल बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, ठीक है, छोटे बच्चों को उठाया जाना, उनसे भीख मंगवाई जाती, बहुत सारी जगह पर है जहां व्यक्तियों को जबरदस्ती कैद करके, ठीक है, मानव तस्करी में तो सबसे बड़ी चीजें हैं अपने यहां नेपाल, ठीक है, खासकर लड़कियों से संबंधित जो देह व्यापार के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, इनमें मानव तस्करी बहुत ज्यादा है, ये खासकर लड़कियों से और बच्चों से, इन दोनों वर्गों के लिए क्या किया जा रहा है, विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं, फिर भी आजकल मतलब ये चीजें आप अच्छे से जानते हो बहुत ही ज्यादा बढ़ी हैं, ठीक है। मानव तस्करी अभी बहुत बड़े लेवल पर चलती है, अब ये है कि पुरुषों की तस्करी बची हुई है कुछ जगहों पर, हालांकि आपको सुनाई पड़ता है कि कई लोग जो है कैद में रहे, फैक्ट्रियों में कैद में रहे कई दिन तक,
ठीक है, उन्हें लोग उठा ले गए थे, तो ऐसी चीजें हैं, ये सच्चाई भी है। आगे बढ़ते हैं, ये जो मानव तस्करी आपका शब्द आया है, मानव की तस्करी, इस शब्द में किन किन चीजों, जैसे मैंने बताया कि बच्चों की तस्करी होती, महिलाओं की तस्करी होती, तो इनमें कुछ चीजों को शामिल किया गया है, वो क्या क्या प्रावधान है इसको समझ लीजिए। सबसे पहली चीज, इसमें एक शब्द जोड़ा गया पुरुष, महिला एवं बच्चों की वस्तु के समान खरीद बिक्री हो रही वह मानव तस्करी है। दूसरी चीज, महिलाओं एवं बच्चों की अनैतिक तस्करी, इसमें शोषण भी शामिल है। तीसरी चीज, देवदासी, ये जो देवदासी प्रथा है ये अब तो नहीं है, ये पहले दक्षिण भारत में होती थी देवदासी प्रथा, ठीक है। देवदासी प्रथा क्या होती थी, अभी भी आपको कभी कभी न्यूज में सुनाई पड़ता है, यानी पहले ऐसे गरीब जो है व्यक्ति होते थे जो अपनी कन्याओं की शादी नहीं कर पाते थे कहीं पर भी, हालांकि ये बाद में ऐसा आया। पहले देवदासी का अर्थ कुछ और था, पहले देवदासी का अर्थ होता था कि जो है मंदिरों में, मंदिरों की सेवा के लिए कुछ बच्चियों को वहीं पर जीवन पर्यंत बिताना पड़ता था, उनके परिवार वाले उन्हें दे देते थे, ठीक है, तो वो देवदासी उनको बोला जाता था, मतलब वो देवताओं के लिए ही हो गई पूरी तरीके से, उनका प्राण वही जो है न्यौछावर होता था। बाद में इसमें बहुत सारे, हर एक धर्म है, हर एक धर्म में बहुत सारी बुराई आई, अब जैसा सुनने को मिलता है, ठीक है, इसके पीछे सच्चाई क्या है, बहुत सारे तथ्य इतिहास में गलत तथ्य जो है आपको गलत तरीके से मोड़ कर पढ़ाए जाते कि इन धर्मों में ऐसी बुराइयां थी, ऐसी बुराइयां थी, लेकिन जैसा कि अब सुनाई पड़ता कि देवदासी जो प्रथा थी ये दक्षिण भारत में उस इसलिए चलती थी, ये सिर्फ सुनी चीजें हैं, मतलब जो बहुत अच्छे अच्छे लोग क्या करते हैं, जो तर्क देने वाले होते हैं वो चीजें ये बताते हैं, मतलब इसमें ऐसा बोला जाता कि देवदासी में ऐसे जो आपके गरीब आपके पिता होते थे, यानी जो अपनी कन्याओं का विवाह नहीं कर पाने में सक्षम होते थे, उनसे पुजारी लोग जो मंदिरों के होते थे वो क्या करते थे, उन बच्चियों का उनकी बच्चियों की शादी मंदिर में ही किसी वृक्ष वगैरह से करवा देते थे, और फिर उन कन्याओं को क्या समझते थे कि ये मंदिर की वस्तु है, और फिर उनका शोषण भी करते थे, ऐसी चीजें सुनने में आती हैं। अब ये क्या 100% सही है ये मैं नहीं बोल सकता, लेकिन देवदासी प्रथा पहले कुछ और थी जो चलने के लिए बनाई गई थी, बाद में कैसे तथ्य मोड़े गए उन सब पर मैं नहीं कह सकता कि ये क्या सच है, लेकिन देवदासी बनाना भी अब क्या है, अब गैर कानूनी है। अगली चीज, दास प्रथा, अब आप किसी को दास नहीं बना सकते हो, ठीक है, गुलाम नहीं बना के रख सकते हो। पहले क्या होता था, जिसके जितने गुलाम, कुछ तो भिखमंगे आप इतिहास में पढ़ते हो उनके सिर्फ गुलाम ही रहे, ठीक है, कुछ भिखमंगे जो भारत में आए थे आक्रमण करने के लिए, उन्होंने क्या किया, भारत को लूटा, भारत पर आक्रमण किया, उनके सिर्फ गुलाम ही गुलाम थे, गुलामों ने भारत में शासन किया, जिसको आप गुलाम वंश के नाम से जानते हैं, ऐसी भी चीजें रहे, बहरहाल उनको छोड़िए। बेगार का मतलब होता है बिना सुविधा के जरूरी अगर आप काम करवा रहे हो तो यह भी बेगार है, बिना सुविधा के। अब सुविधा में कुछ भी आती है, अगर आप सर्विस किसी की ले रहे हो तो वहां पर क्या करना होगा, आपको उसके बदले पे करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, बेगार के मामले में अनुच्छेद 23 में अन्य समान जबरन श्रम पर भी रोक लगाता है, इनमें बंधुआ मजदूरी शामिल है। जबरन श्रम में ना केवल शारीरिक या कानूनी बल है, बल्कि इसमें आर्थिक परिस्थितियों को बढ़ावा देना भी शामिल है, जैसे न्यूनतम मजदूरी से कम पर काम करवा रहे हो तो यह भी क्या है, जबरन श्रम है। अगर 250 रुपए मजदूरी चल रही, आप 200 रुपए दे रहे हो तो आप बेगार करवा रहे हो उससे, ठीक है, याद रखिएगा। अगली चीज है, लेकिन ये जो जबरन श्रम अभी जो है हम लोग सुन रहे हैं, सारी चीजें पढ़ रहे हैं, अभी आपने एक मामला सुना था कि सेना में हर एक आम व्यक्ति जो है नागरिक के लिए 3 साल के लिए एंट्री को लागू किए जाने का प्रावधान किया जा रहा है, हो सकता है यह हो जाए, ठीक है, तो 3 साल के लिए हर एक व्यक्ति जो सेना में अपना योगदान देना चाहता है वो हर एक पदों पर उसकी नियुक्ति हो सकेगी, जिससे कि सेना में बहुत सारे पद खाली हैं उन पर भी क्या हो सकेगा, प्रावधान चलता रहेगा, प्रोसीजर और बहुत सारे लोगों का। अब यह बात आती है कि क्या सरकार ऐसा 3 साल के लिए कर रही तभी हम जाएं, या मान लीजिए अगर 3 साल के लिए नहीं होता हम उसके उपयुक्त होते हैं तभी भी। बेगार सरकार आपसे कब करवा सकती है, सरकार को अगर जरूरत पड़ गई तो वो सारे लोगों को जबरदस्ती उठा ले जाएगी कि चलो सैनिक बनो या ये कार्य करो, वहां पर सरकार आपसे जबरदस्ती जबरन श्रम करवा सकती है, ऐसा प्रावधान लिखा है, और इसको आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर पाओगे कि गवर्नमेंट ने हमसे जो है बेगार करवा ली, वहां पर साफ साफ पर लिखा है
कि जरूरत पड़ने पर आपसे राष्ट्रीय जो है राष्ट्र के लिए श्रम करवाया जा सकता है, उसको आप बेगार नहीं बोलेंगे। राष्ट्रीय सेवा करने के लिए आपको बाध्य किया जा सकता कि आपको करना ही पड़ेगा, समझ गए। अब हम बढ़ते हैं अगले अनुच्छेद 24 की ओर, कारखानों आदि में बाल श्रम पद जो निषेध किया गया है इसको समझिए। अनुच्छेद 24, किसी फैक्ट्री खान या सामान निर्माण कार्य, सामान निर्माण होना चाहिए, सामान निर्माण कार्य में या रेलवे में 14 साल से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। 1996 में उच्चतम न्यायालय ने बाल श्रम पुनर्वास कल्याण फंड की कब स्थापना, 1996 में स्थापना की, जिसमें बच्चों को रोजगार देने वालों पर प्रति बच्चा 20,000 का दंड जमा कराने का प्रावधान किया गया। ठीक है, जो लोग बच्चों को रोजगार देंगे उन पर क्या लगाया गया, एक आर्थिक दंड लगाना प्रारंभ किया गया, और यह सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था 1996 में दी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता के हमें अधिकार जो मिले हैं इनको अब हम पढ़ते हैं। तो 23 और 24 हमने देख लिया, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अब हम 25 से पढ़ना प्रारंभ करते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर आपको कैसे कैसे अधिकार प्राप्त है, यह बड़ा चर्चित मामला है। धर्म की विवेचना, पेशा, कार्य एवं प्रसार की स्वतंत्रता आपको करने की पूरी इजाजत दी जाती है, संविधान जो बोलता, कैसे कैसे समझो इसको। अनुच्छेद 25 यह बोलता है कि सभी व्यक्तियों को धर्म की विवेचना का अधिकार है, इसको स्वतंत्रता पूर्वक अपनाने की स्वतंत्रता है। इनमें कौन कौन सी चीजें अन्य शामिल हैं इनको समझ लीजिए। विवेचना, जो मैंने शब्द बोला, विवेचना शब्द तो आप तब सुनते हैं जब कोई मामला आपके खिलाफ होता है और विवेचना होती है। विवेचना यहां किस जो है आशय में प्रयुक्त हुआ इसको समझिए। कोई भी व्यक्ति, उसको आंतरिक स्वतंत्रता और इस दिशा में उसे जो सही लगे भगवान के साथ जुड़ाव का अधिकार है। आपको लगता है कि मेरा जो है मना मस्तिष्क, ठीक है, राधा रानी के चरणों में है, भगवान कृष्ण के चरणों में है, ठीक है, भगवान श्री राम को हम मानना चाह रहे, जिसको मानना चाह रहे हो आप मान सकते हो। ये चीजें क्या है, किसी भी संप्रदाय, आपको लगता है कि मुझे मुस्लिम समुदाय फॉलो करना चाहिए, आप कर सकते हो, आपको आजादी है, आपको लगता है मुझे इनके विचार प्रसारित करने चाहिए, आप कर सकते हो, क्योंकि आपको संविधान पूरी तरीके से आजादी देता है कि आप धर्म के अनुसार आचरण कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्वीकार करने का अधिकार। स्वीकार में क्या है, किसी व्यक्ति को किसी धर्म के प्रति विश्वास एवं वफादारी का सार्वजनिक रूप से एवं स्वतंत्रता पूर्वक घोषणा करने का अधिकार है। आप बिल्कुल बोल सकते हो कि हमें क्या है, भगवान राम पर भरोसा है, हमें भगवान कृष्ण पर भरोसा है, ठीक, भगवान महादेव पर भरोसा है, आप बिल्कुल बोल सकते हो, ये कहीं भी बोल सकते हो, आप स्वतंत्र हो। अगली चीज, कार्य का अधिकार। कार्य के अधिकार की जब हम बात करेंगे, यानी धार्मिक पूजा है, समारोह है, इनको अपने विश्वास और विचार के अनुरूप करने का आपको अधिकार है। आपको लगता है कि इस बार हम नवरात्रि का त्योहार ऐसे मनाएंगे, आप मना सकते हो भैया, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, आपको यह अधिकार मिला है पूरी तरीके से। ठीक है, समारोह आप आयोजित करवा सकते हो, धार्मिक अधिकार है आपका। आगे बढ़ते हैं, प्रसारण का अधिकार है। प्रसारण का अर्थ है कि अगर कोई धर्म जिसको आप फॉलो कर रहे हैं उसका विस्तार एवं अन्य धर्म के बारे में विश्वास जगाना इसमें शामिल है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी बात यहां आती है, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की सुविधा। मान लीजिए आप किसी मंदिर के ट्रस्टी हैं, या कोई मंदिर जो है, या कोई एक ऐसा मतलब गुट है जो ये इन सब धार्मिक कार्यों को कर रहा है, तो वहां पर इनके प्रबंधन की सुविधा में क्या क्या चीजें जोड़ी गई। अनुच्छेद 26 कहता है कि हर धार्मिक अनुयायी, यानी हर एक धर्म को फॉलो करने वाला व्यक्ति या इसके किसी वर्ग को निम्न अधिकार प्राप्त होंगे। कौन कौन से, सबसे पहली चीज तो यह बोलता है कि धार्मिक एवं कल्याणकारी उद्देश्य, दो चीजें आई है, धार्मिक एवं कल्याणकारी उद्देश्य से धार्मिक संस्थाओं की स्थापना, मतलब समझ गए होंगे, अगर आप कल्याणकारी भी कोई कार्य करना चाह रहे तब भी धार्मिक संस्थाएं बन सकती, और अगर क्या करना चाह रहे, धार्मिक कार्य करना चाह रहे तब भी धार्मिक संस्थान बनाए जा सकते हैं। दूसरी बात, उनके रख रखाव का अधिकार किसे होगा, किसी भी व्यक्ति को हो सकता। दूसरी, धर्म के मामले में अपने आधार पर प्रबंध करना, आपको जैसा लगता है हमारा धर्म ऐसा बोलता है उस अनुसार आप कोई भी प्रबंध कर सकते हो, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, धर्म की अभिवृद्धि को कर से स्वतंत्रता, यानी अगर हम अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए चंदा इकट्ठा कहीं से कर रहे, पैसा हम इकट्ठा कर रहे, तो उसमें हमें
जो आपकी आय होती है, आय पर गवर्नमेंट को हमें कर देना होता है, लेकिन अगर हमारी आय हम पैसा इसके लिए मंगा रहे कि हम अपने धार्मिक अभिवृद्धि कर सके, तो वहां पर आपको उस पैसे पर टैक्स नहीं देना पड़ता। अनुच्छेद 27 ये प्रावधान करता है कि कोई व्यक्ति जो धार्मिक व्यवस्था को बनाए रखने, उसके उत्थान के लिए काम करता, वह कर अदायगी से मुक्त होगा, यह अनुच्छेद 27 बोलता है। दूसरे शब्दों में राज्य उस धन को व्यय नहीं कर सकता जिसे किसी धार्मिक उत्थान एवं रख रखाव के लिए एकत्र किया गया हो, यानी राज्य सरकार वह पैसा नहीं ले सकती। दूसरी बात, अगली अगर चीजें पढ़ते हैं 27 के बाद 28, धार्मिक निर्देशों की उपस्थिति से स्वतंत्रता, धार्मिक निर्देशों की उपस्थिति से स्वतंत्रता, इसका अर्थ समझिए, ठीक है। ये सब मुद्दे अगर आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को देखा होगा, बहुत तरीके की याचिकाओं को 19 में आपने देखा होगा, वहां से ये सारे मुद्दे आपके बहुत रिलेटेड हैं, ठीक है, समझिए इस चीज को। अनुच्छेद 28 के तहत कोई भी धार्मिक निर्देश उन शिक्षण संस्थाओं में लागू नहीं किए जा सकते, ठीक है, जहां पर पूरी तरीके से राज्य खर्च जो है दिया जाता है, यानी अगर राज्य सरकार ऐसे संस्थानों को खर्चा देती है पूरा, तो उनमें कोई भी धार्मिक निर्देश लागू नहीं किए जा सकते, समझे। आगे, हालांकि यह व्यवस्था उन संस्थानों में लागू नहीं होती जिनका प्रशासन तो राज्य देख रहा, लेकिन उसकी स्थापना किसी मठ या ट्रस्ट के अधीन हुई हो, ऐसी चीजों में धार्मिक निर्देश आपके लागू नहीं होंगे। दोनों में अपने आप में कंट्राडिक्ट है। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद इसके बाद जो है 29 और 30 की ओर बढ़ते हैं, यानी सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार आपको भारतीय संविधान क्या क्या देता है, समझिए। सबसे पहला इसमें दो चीजें आती हैं, एक तो सांस्कृतिक, यानी जो हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है, इसको बचाने संबंधी भी हमें अधिकार है। दूसरी शैक्षणिक, शैक्षणिक भी हमें कुछ अधिकार मिले हैं। इन दोनों में फर्क है। शैक्षणिक का अर्थ हो गया हमारा जो कल्चर है, हमारे धर्म की जो चीजें रही, उसको हम क्या कर सकते, प्रचार प्रसार की तो आजादी है ही है, उससे जुड़ी और अभिवृद्धि के मामले में कुछ विशेष प्रावधान है। तो पहले एक एक शब्द को सुनो। सबसे पहली चीज आती है यहां पर जो विशेष प्रावधान किया गया, वो बात आती है अल्पसंख्यकों की, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, यानी इनके हित क्या क्या है, पहले इनको जानो। अनुच्छेद 29 आपसे बोलता है कि भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृत को सुरक्षित रखने का अधिकार है, अनुच्छेद 29 कहता। इसके अतिरिक्त किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से रोक नहीं लगाया जा सकता। मतलब ये तो एक चीज यह ध्यान जरूर रखना कि 44वें संविधान संशोधन, ये पूछा भी है एक बार, ठीक है, लोक सेवा आयोग 44वें संविधान संशोधन 1978 में अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा का प्रावधान किया गया। आगे बढ़ते हैं, आर्थिक सहायता में राज्य अल्पसंख्यकों द्वारा प्रतिबंधित संस्थानों में विभेद नहीं करेगा। जब राज्य को आर्थिक जो है सहायता देनी हुई, तो उस दौरान राज्य क्या नहीं कर सकेगा, अल्पसंख्यकों के द्वारा जितने प्रबंधित संस्थान है उनमें यह नहीं कहेगा कि इस संस्थान को हम ज्यादा दे दें, इनसे हमें पड़ती है, ऐसा नहीं है। वह सभी संस्थानों को क्या करेगा, बराबर जो है हिस्सा देगा। अगली चीज है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 31 में यहां पर जो है उस चीज का जिक्र करना चाहूंगा, जो आर्टिकल आपका 31 है भैया, आर्टिकल 31 इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि अनुच्छेद 31 में क्या था, संपत्ति का अधिकार था। ये जब आपका यही 44वां संविधान संशोधन रहा, तो इसको हटा के मौलिक अधिकारों से क्या किया गया, इसको अनुच्छेद 301 के तहत अब एक लीगल राइट बनाया गया, ठीक है। मौलिक अधिकार पहले अनुच्छेद 31 में था, यहां से हटाया गया और अब यह एक आपका लीगल राइट है जो अनुच्छेद 301 के तहत आता है, समझ गए। अब बढ़ते हैं अनुच्छेद 32 की ओर, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मूल अधिकारों की संवैधानिक घोषणा तब तक अर्थहीन, तर्कहीन एवं शक्तिविहीन है जब तक कि कोई प्रभावी मशीनरी उसे लागू करने के लिए अस्तित्व में ना हो। मूल अधिकार तो हमने घोषित कर दिया, लेकिन कोई लागू करवाने वाला भी तो चाहिए, नहीं तो उसका मतलब क्या है, कुछ नहीं। इसीलिए यहां पर यह बात बनी कि जो ये अधिकार दिए गए, इसको किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपो जो इसको क्रियान्वित करवा सके, और वह चीज कहां गई, अनुच्छेद 32 में व्यवस्था की गई कि संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान किया जाए
इन सारे जो है अगर कहीं पर कोई कमी मिलती है, कोई दिक्कत आती है, किसी को इन अधिकारों में से कोई अधिकार नहीं प्राप्त होते, तो वहां पर उसका उपचार हम कैसे करेंगे, इसके लिए अनुच्छेद 32 है आपका, ठीक है। संवैधानिक उपचार यानी संविधान में क्या क्या उपचार करना है, ठीक है, उसके लिए अनुच्छेद 32 डील करता, समझो। अनुच्छेद 32 का उद्देश्य क्या है, मूल अधिकारों की गारंटी, प्रभावी सुधार एवं संवैधानिक उपचारों की व्यवस्था करना। संविधान द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत केवल मूल अधिकार की ही नहीं बल्कि अन्य अधिकारों की, जैसे गैर मूल जो संवैधानिक अधिकार हैं, ठीक है, असंवैधानिक अधिकार, लौकिक अधिकार, इन सभी के बारे में भी बातें की गई हैं। अगली चीज, मूल अधिकार के क्रियान्वयन के बारे में उच्चतम न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र, मूल तो है पर अनोखा नहीं, उसका जुड़ाव अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र से भी है। यह चीज ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि मूल अधिकारों से संबंधित जो कोई मामला होगा वह सुप्रीम कोर्ट के किस अधिकार के तहत आता है, ठीक है, तो यह मूलाधिकार में आता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और यह आपके उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालयों में भी आता है, तो अगर मान लीजिए आपके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा, तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट, और अनुच्छेद 226 के तहत किसी भी हाई कोर्ट, आपके राज्य का जो हाई कोर्ट है वहां जा सकते हैं। समझ गए। अब हम बढ़ते हैं इसमें, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार कैसे करना है, क्या क्या भैया चीरापाड़ा जो है, चीरफाड़ करनी है, कैसे कैसे इसका उपचार बनेगा, इसको समझो। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिट्स, ठीक है। रिट का मतलब होता है न्यायाधीश, न्याय के लिए कोई आदेश आए वह न्यायाधीश कहलाता है। तो जो अनुच्छेद 226 के तहत आपको अधिकार मिला, अनुच्छेद 32 के तहत जो अधिकार मिला, इन दोनों का प्रयोग करके कैसे कैसे न्यायपालिकाएं आपकी क्या करती हैं, न्यायाधीश जारी करती हैं, वो कौन कौन से, इन सभी को हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब उपचार की बात करते हैं, तो न्यायाधीश इनके प्रकार क्या हैं और अवसर कैसे कैसे आपको मिलते हैं। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 32 के तहत एवं उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 226 के तहत न्यायाधीश जारी कर सकते हैं, वो कौन कौन से न्यायाधीश होते हैं, ध्यान दीजिए। पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा होता है परमादेश, तीसरा होता है उत्प्रेषण, चौथा होता है अधिकार परीक्षा, और पांचवा होता है प्रतिषेध। ये पांच तरीके के सुप्रीम कोर्ट आपके और जो है हाई कोर्ट क्या करते हैं, न्यायाधीश जारी करते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश संबंधी न्यायिक क्षेत्र उच्च न्यायालय से तीन प्रकार से भिन्न होते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, न्यायाधीश को जारी करने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की जो वैल्यू है एक तरीके से वह हाई कोर्ट से कम है, कैसे समझिए, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अंतर है, समझिए। देखो, उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को लेकर न्यायाधीश जारी करता है, इसको बहुत ढंग से समझिएगा, नहीं तो अगर क्वेश्चन लोक सेवा आयोग का अच्छा बना ना तो वहीं चारे खाने चित। देखो, जो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, ये केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को लेकर न्यायाधीश जारी कर सकता है, क्रियान्वयन मतलब लागू होना उनका मूल अधिकारों का, जबकि उच्च न्यायालय इनके अलावा किसी और उद्देश्य को लेकर भी इसे जारी कर सकता, तो यहां जो हाई कोर्ट है उसकी वैल्यू बढ़ गई, समझ गए। आगे समझो, उच्चतम न्यायालय किसी एक व्यक्ति या सरकार के खिलाफ न्यायाधीश जारी कर सकता है, किसी एक व्यक्ति या सरकार के खिलाफ, जबकि उच्च न्यायालय सिर्फ संबंधित राज्य के व्यक्ति या अपने क्षेत्र के राज्य को, या यदि मामला दूसरे राज्य से संबंधित हो तो वहां के खिलाफ ही जारी कर सकता, ठीक है। वहां पर सुप्रीम कोर्ट और यहां हाई कोर्ट में फिर से अंतर मिल गया। तीसरी बात समझो, अनुच्छेद 32 के तहत उपचार अपने आप में मूल अधिकार है, मतलब जो उपचार किया जा रहा उस उपचार को अनुच्छेद 32 को ही मूल अधिकार घोषित किया गया, और उच्चतम न्यायालय अपने न्यायाधीश मामले को नकार ही नहीं सकता, यह भी चीज है। दूसरी तरफ अनुच्छेद 226 के तहत उपचार के संबंध में उच्च न्यायालय अपने न्यायाधीश संबंधी न्याय क्षेत्र के क्रियान्वयन को नकार सकता है, यह दोनों में डिफरेंस है, समझे। आगे बढ़ते हैं, पहली रिट आपकी, जो पहला मैंने न्यायाधीश बताया वह है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, पुलिस आपको जबरदस्ती उठा ले गई, घर वाले परेशान है, पुलिस थानों में पता नहीं चल पा रहा कि यहां मुजरिम है, यहां तो कोई मुजरिम नहीं इस नाम से, तो वहां पर क्या चीजें आती हैं, उसके लिए एक न्यायाधीश जारी होता है जिसको बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। मतलब क्या है, इसे लैटिन भाषा से लिया गया जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इकाई का होना,
इकाई का होना, कौन सी इकाई, यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया। अगर किसी व्यक्ति ने आपको हिरासत में रख लिया तो उसके लिए न्यायालय क्या करेगा, एक न्यायाधीश जारी करेगा जिसको बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, उसे इसके सामने प्रस्तुत किया जाए तब न्यायालय मामले की जांच करता। यदि हिरासत में लिए गए व्यक्ति का मामला अवैध है तो उसे स्वतंत्र किया जा सकता। इस तरह यह किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के खिलाफ है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का न्यायाधीश दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता, चाहे वह सार्वजनिक प्राधिकरण हो, ठीक है, या व्यक्तिगत हो, कोई भी आपका प्राधिकरण होगा, इन दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। न्यायाधीश तब जारी नहीं किया जा सकता जब हिरासत कानून सम्मत है, तब कोई भी न्यायाधीश जारी नहीं होगा। मतलब पुलिस आपको उठा कर ले गई है और उसने बताया ऐसे ऐसे रीजन, फिर जाके आप जो है याचिका दायर करो कि हमारे जो है परिवार के फला व्यक्ति को उठा ले गई, वहां पर आपकी सुनवाई नहीं होगी। दूसरी बात, कार्यवाही किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के तहत हुई हो तब भी यह जो है न्यायाधीश जारी नहीं हो सकता। तीसरी, न्यायालय के द्वारा हिरासत में लिया गया हो आपको तब भी आप जो है न्यायालय के खिलाफ ही नहीं कर सकते। चौथी बात, हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर हुई हो तब भी आपको क्या किया जा सकता, तुरंत ये बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए जो है रेट जारी नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हैं, परमादेश दूसरा होता है। अगर न्यायालय के क्षेत्र के न्याय क्षेत्र के बाहर है तो आपको दूसरे न्यायालय जाना पड़ेगा जिसके न्याय क्षेत्र में वो आता हो। अगली चीज समझिए भैया, परमादेश भी जारी होता है। परमादेश क्या है, इसका अर्थ ही है परमादेश। परमादेश का अर्थ है हम नियंत्रण करते हैं, हमने आदेश दिया वो आदेश क्या हुआ, स्वयंभू हो गया, ठीक है, यानी हमने जो कह दिया वो कह दिया, हमने जो ऐसे पकड़ लिया तो पकड़ लिया। मतलब क्या है कि यह एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है ताकि उन जो है उनसे उनके कार्यों और उसे नकारने के संबंध में पूछा जा सके। इसे किसी भी सार्वजनिक इकाई, परिषद, अधीनस्थ न्यायालयों, पंचायतों या सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है। परमादेश न्यायाधीश जारी नहीं किया जा सकता किन परिस्थितियों में, जब निजी व्यक्तियों या इकाई के खिलाफ नहीं जारी होता। दूसरी बात, ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक है उनके खिलाफ यह जारी नहीं होता। तीसरी, जब कर्तव्य स्वैच्छिक हो जरूरी नहीं तब भी यह जारी नहीं होगा। और चौथी, ठेकेदारी उत्थान में यह जारी नहीं होता। और पांचवा, भारत के राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपालों के खिलाफ हो तब भी यह न्यायाधीश परमादेश जारी नहीं होता, उनको आप आदेश नहीं दोगे, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, प्रतिषेध रेट के बारे में पढ़िए। प्रतिषेध न्यायाधीश क्या होता है, देखो भैया प्रतिषेध मतलब ही समझिए, ठीक है, इसका अर्थ ही है क्या, रोकना। आपको किसी कार्य से हम रोक दे, प्रतिषेध करें, मनाही करें, चुप रहो नहीं करना है, तो ये क्या है, ये उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा अवर न्यायालय मतलब उसके अधीन जो न्यायालय आते हैं को संबोधित रिट होती है जिसमें उस न्यायालय के अधिकार से बाहर कार्यवाही करने से उसको रोकते हैं, समझ गए। प्रतिषेध संबंधी न्यायाधीश सिर्फ न्यायिक एवं अल्प न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी किए जाते हैं। यह प्रशासनिक प्राधिकरणों, विधायी इकाइयों एवं निजी व्यक्तिगत या इकाइयों के लिए उपलब्ध नहीं है, केवल न्यायालयों के लिए जारी किए जाते हैं। अगली चीज समझो, उत्प्रेषण क्या है भैया। उत्प्रेषण मतलब समझते ही हो, जैसा इसका नाम है, उत्प्रेषण का अर्थ होता है प्रमाणित होना या सूचना देना, ठीक है। इसे एक उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के या पंचायतों के विनिश्चय को विखंडित करने के लिए जारी किया जाता है, समझे कैसे, अभी और समझ जाओगे। यहां कह रहा कि अभी हाल ही तक उत्प्रेषण का न्यायाधीश सिर्फ न्यायिक या अल्प न्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ ही जारी किया जाता था, प्रशासनिक इकाइयों के खिलाफ नहीं। हालांकि 1991 की बात है, उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि उत्प्रेषण व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक प्राधिकरणों के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, प्रतिषेध की तरह उत्प्रेषण भी विधानमंडलीय इकाइयों एवं निजी व्यक्ति या इकाइयों के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है। अगला एक बसता है अधिकार परीक्षा, इसको पढ़ लो, यह कैसा न्यायाधीश है भैया, इसका जैसा मतलब है, ठीक है। अधिकार परीक्षा यानी किसी प्राधिकृत या वारंट के द्वारा, किसी प्राधिकृत या वारंट के द्वारा कुछ किया जाए उसका अर्थ यही होता है, कैसे समझो इसको। इसके द्वारा न्यायालय लोकपद, लोकपद वैसे परिभाषित नहीं है लेकिन आप जानते होंगे, ठीक है, लोकपद मतलब ऐसे कोई भी पोस्ट है जो पब्लिक के लिए है,
वो तो जानते ही जानते हैं उस तरीके से, पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है। लोक पद पर मतलब सामान्य सा पद है, कोई भी प्रधान हो आप, ठीक है, गांव के आप सांसद हो, विधायक हो, ऐसी भी चीजें हो सकती है। क्या करता है, न्यायाधीश को पूरक सार्वजनिक कार्यालयों के मामले में तब जारी किया जा सकता है जब उसका निर्माण संवैधानिक हो, ठीक है। इसे मंत्रियुक्त कार्यालय या निजी कार्यालय के लिए जारी नहीं किया जा सकता। इन सब सारी चीजों को खासकर क्या पूछता है, यह लोक सेवा आयोग आपसे पूछता है विभिन्न एग्जामों में, वहां पर थोड़ा सा डीपली जानना होता है, इसीलिए मैंने इतना डीपली बताया। अब हम अनुच्छेद 31 जो मैं कह रहा था उसको थोड़ा सा जान लीजिए, संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति क्या है, वैसे मैंने बता दिया है। असल में संविधान के भाग 3 में उल्लेखित 7 जो मूल अधिकारों से संपत्ति का अधिकार एक था, इसे 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों में संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर इसके स्थान पर भाग 3 में अनुच्छेद 19(1)(f) और 31 को जोड़ा गया, ठीक है। संपत्ति का अधिकार शीर्षक के तहत भाग 12 में नए अनुच्छेद 301 को भी जोड़ा गया। इसमें व्यवस्था दी गई कि कोई भी व्यक्ति कानून के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, और इस तरह संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है या संवैधानिक अधिकार है, यद्यपि कोई मूल अधिकार यह आपका अब नहीं है। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार की तरह जैसा कि मूल अधिकारों से अलग है, निम्नलिखित तरीकों से यह लागू होता है। तरीके जान लो, इसे बिना संविधान संशोधन के संसद के साधारण कानून के तहत नियमित कटौती या पुनर्निर्धारित किया जा सकता। दूसरी बात, यह कार्यकारी कार्य के खिलाफ निजी संपत्ति की रक्षा करता, लेकिन विधानमंडलीय अगर कार्य हुआ तो उसके खिलाफ रक्षा नहीं करेगा। विधानमंडल ने कानून बना दिया कि जो है एक नहर पास होनी, उसमें पड़ने वाले सारे जो है फला फला गांव से जमीन ली जाएगी, या एक जो है हमें 6 लेन का बाइक वो बनाना है, ठीक है, एक हमें रोड बनानी है तो उसमें जमीन जाएगी। अब आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते, आपको जमीन देनी पड़ेगी, समझ गए। पहले यही सब मामले बड़ी दिक्कत दे रहे थे। संघर्ष के मामले में पीड़ित व्यक्ति अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचार के अधिकार जिसमें न्यायाधीश शामिल है के तहत सीधे उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकता। किस मामले में, संघर्ष के मामले में लड़ गए पड़ोसी पड़ोसी, आज जो है हो गई फौजदारी, ठीक है, वह अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकता। भाग 3 में अब यह व्यवस्था दी गई है कि संपत्ति के अधिग्रहण पर हर जाने का अधिकार, वो यहां पर समझिएगा संघर्ष यहां पर आपका किस मामले में आएगा, यह संपत्ति वाली जो चीजें रहती हैं। अगली चीज क्या बोला गया, इन दो मामलों में भुगतान कैसे कैसे होगा, संपत्ति के अधिग्रहण पर हर्जाना कैसे कैसे देना होगा। जब राज्य द्वारा किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान यानी अनुच्छेद 30 की संपत्ति का अधिग्रहण किया जाए तो वहां राज्य क्या करती है, हर्जाना देती है। दूसरी, जब राज्य उस संपत्ति का अधिग्रहण करे जिस पर व्यक्ति अपनी फसल उगा रहा, निर्धारित सीमा के अंदर अनुच्छेद 31A बोलता है, और इसके तहत आपको क्या मिलता है, आपकी जमीन की कीमत मिलती है, ठीक है। आरक्षण से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रावधान अपने यहां है, वैसे मैंने जिक्र किया था अनुच्छेद 16 का, तो जो आपका संविधान, ठीक है, अनुच्छेद 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं और संविधान लागू होने के 10 वर्ष बाद बनाए रखने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन बाद में संवैधानिक संशोधनों द्वारा इसे विशेष व्यवस्था की अवधि बढ़ाई जाती रही। उन्हीं चीजों को समझना है, अभी हाल ही में भी परिवर्तन होकर इसकी अवधि फिर से बढ़ाई गई है, ठीक है। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अतिरिक्त समाज में अन्य पिछड़े वर्ग की अनेक ऐसी जातियां हैं जिन्हें पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उन्हें आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्र में विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए, ठीक है। इसके लिए जो पिछड़े वर्ग है, ऐसी दशाओं में सुधार है तो राष्ट्रपति ने अब तक 2 आयोग गठित किए, एक कालेलकर, ठीक है, और दूसरा मंडल आयोग। मंडल आयोग बारे में मैंने बताया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो काका कालेलकर आयोग रहा, इसका गठन 1950 में हुआ था। 1955 में यह व्यवस्था दी गई कि आयोग की सिफारिश में सामाजिक तथा शैक्षणिक मानदंड को अस्पष्टता परिभाषित नहीं किया गया, अतः इस पर विवाद उत्पन्न हो जाने के कारण इसको काका कालेलकर की जो रिपोर्ट आई इस पर कोई कार्य नहीं हुआ, समझ गए। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जो दूसरा इसमें आयोग गठित हुआ 1990 में, ये बीपी मंडल, इसके बारे में भी मैंने बताया है। इन्होंने, भारत सरकार ने फिर इसका आयोग गठन किया और इसी के रिकमेंडेशन पर 27% आरक्षण की घोषणा की गई। 2006 में 93वें संविधान संशोधन द्वारा निजी एवं बिना सरकारी अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण की व्यवस्था दी गई। तो यह सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया, जितना कुछ होता है आपका भारतीय संविधान में व्याख्यायित आपके
फंडामेंटल राइट के बारे में, ठीक है, सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं। अनुच्छेद 33, 34, 35 में आपके क्या है, 33 में आपका ऐसा प्रावधान है कि जो आपके किस में सशस्त्र बल इन सब में कार्य करते उन्हें नहीं दिया जा सकता। हालांकि ये सब कुछ पहला लेक्चर मेरा देखिए जो फंडामेंटल राइट का आया था उसमें मैंने सारी चीजें के बारे में बात किया है। तो तीन लेक्चर इनको बहुत डीपली देखिए, फंडामेंटल राइट से कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाले नहीं है। धन्यवाद।